चुनाव समिति में थे और चुनाव समिति में जो नाम तय हुए हैं उन की मैं घोषणा करता हूं कुल अभी बावन फिफ्टी टू सीटों की अभी जो चुनाव समिति में उनके नाम अप्रूव किए हैं उनकी मैं यहां से घोषणा करता हूं, और इक्यासी टोटल सीटें हैं जिसमें से इनका ब्रेकअप मैं आपको भी देता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है ऐसे श्री रघुवर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इसके अलावा अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका मैं आपके समक्ष नाम पढ़ता हूं राजमहल से सिटिंग सांसद श्री अनंत ओझा वह चुनाव लड़ेंगे प्रदेश के महामंत्री हैं बोरियो से सूर्या हंसदा बरहट से सीमोन मोल्टो यह चुनाव पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको डिक्लेयर किया है लिट्टीपारा से श्री धनियाल किस्कू उसके अलावा महेशपुर से श्री मिस्त्री सोरेन शिकारीपारा से श्री पारितोष सोरेन नाला से श्री सत्यानंद झा जा बटुल जामतारा से श्री वीरेंद्र मंडल दुमका से जो अभी की रघुवरदास जी की सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर श्रीमती लुइस मरांडी वह चुनाव वहां से लड़ेंगी जामा से सुरेश मुरमूर झारमुंडी से श्री देवेंद्र कुंवर और मधुपुर से मधुपुर से श्री राज पालीवाल सारद से श्री रणधीर सिंह देवगढ़ से नारायण राम दास देवगढ़ से गोड्डा से अमित मंडल महगामा से श्री अशोक कुमार भगत कोडरमा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव वह कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी बरही से श्री मनोज यादव मांडू से श्री जे पी पटेल हजारीबाग से सिटिंग सांसद सिटिंग विधायक मनीष जायसवाल ये अभी विधायक हैं वहाँ से सिमरिया से श्री किशुन कुमार दास इसके अलावा चतरा से जनार्दन पासवान बगोदर से डॉक्टर नागेंद्र महतो जमुआ से श्री केदार हजारा गिरी से गिरीडी से लड़ेंगे निर्भय शाह बिन बंद बादी निर्भय साहबादी को पार्टी ने टिकट दिया यहाँ से बेरमो से श्री योगेश्वर महतो बटुल सिंदरी से श्री इंद्रजीत महतो धनबाद से राज सिन्हा अभी पार्टी के विधायक है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे झरिया से श्रीमती रागनी सिंह उसके अलावा बागमारा से श्री ढुलू मतों को पार्टी ने टिकट दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए और बहार गोडा हा बहरा गोडा यहां से चुनाव लड़ेंगे श्री कुनाल सारंगी घटशिला से लड़ेंगे लखन मार्डी लख, लखन मार्डी बाकी पोटका से जो एस सीट रिजर्व है वहां से श्रीमती मेनका सरदार लड़ेंगी और बाकी माननीय मुख्यमंत्री का मैं बता ही दिया ईचागढ़ से चुनाव लड़ेंगे श्री साधु चरण महतो मनोहरपुर से श्री गुरुचरण नायक तोरपा से श्री कोचे मुंडा खि, खिजरी से श्री रामकुमार पहान रांची से प्रदेश सरकार में मंत्री और जिन्होंने बहुत अच्छा काम लगातार सरकार में किया है ऐसे श्री सीपी सिंह जी लड़ेंगे ले चुनाव पुनः वहीं हटिया से सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल गुमला से मिशिर कुजूर बिशनपुर से डॉक्टर अशोक ओराव सिमडेगा से श्री सदानंद बेसरा मनिका से श्री रघुपाल सिंह लातेहार से श्री प्रकाश राम पांकी से श्रीमान शशिभूषण महतो पांकी से डाल्टनगंज से श्री अशोक चौरसिया बश्रामपुर से सिटिंग मंत्री हैं रघुवर दास जी की सरकार में श्री रामचंद्र चंद्रवंशी छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी गढ़वा से श्री, श्री सत्येंद्र त्रिवारी सिटिंग विधायक भवनाथपुर से श्री भानु भानु प्रसाद भानु प्रताप शाही मित्रों यह जो सीट डिक्लेयर हो रही है इसमें कुल अभी बावन सीटों का जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको अप्रूव किया माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जिन जिनकी अनुमति थी वो 52 सीटें हैं जिसमें तेरह युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया थर्टीन यूथ और इसके साथ साथ महिलाएं पांच महिलाएं हैं इसमें आउट ऑफ फिफ्टी टू एस एसटी समुदाय के सत्रह टिकट भारतीय जनता पार्टी ने समुदाय को इस पूरी लिस्ट में दिया 17, और से इक्कीस लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है वर्तमान अभी तक आउट ऑफ फिफ्टी टू को अभी तक अभी तक जितनी घोषणा हुई है सत्रह सीटें अभी पार्टी ने दिया है जो बावन सीटों की घोषणा हुई है ओबीसी अभी तक ट्वेंटी वन इक्कीस आउट ऑफ फिफ्टी टू महिलाएं पांच आउट ऑफ फिफ्टी टू